हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती के पाठशाला यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपना बेल का जो बनाए थे जिसमें होती है पोटास और मैग्नीशियम, और ये जो दूसरा है आप देख रहे हैं, ये है अपना जो कंडे का जो हम लोग बनाए थे जिसमें होती है ह्यूमिक एसिड, फ्लोइक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। ये ना दोनों चीज़ को आज हम लोग स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए अब पहले खाली डब्बे चाहिए, और इसको डालने के लिए जो छन्नी होती है तो इसका उपयोग करेंगे हम लोग, और उसमें जो ये जालीदार कपड़ा होता है ना, तो वो जाली का यूज़ करेंगे ताकि उसके जो कचड़े छन जाए। सबसे पहले उसको उसमें भरने के लिए जो जाली है उसमें पहले से लगा दीजिए, और नीचे को उसमें अच्छे से बांध दीजिए ताकि जब भी हम लोग उसमें डालें तो कोई गिरे नहीं। क्या होता है कि जाली लगाने का मतलब ये रहता है कि जैसे अपना ये जो बेल वाला जो टॉनिक है, तो बेल वाला टॉनिक गूदा सहित डाल दिया था, तो उसका जो गूदा रहता है ना, तो हम लोग पंप में डालते हैं या फिर ड्रिप में चलाते हैं तो उसमें वो रुक जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको पहले एक बार अच्छे से छान देते हैं। तो छानने के लिए जो जाली है, और ये जाली को नीचे से बांध देना है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि इसको आपको एकदम धीरे धीरे देना है। धीरे धीरे देना इसलिए है कि क्योंकि उसमें जो मवाद रहता है ना, मवाद के वजह से वो रुक जाता है, तो इसलिए आप उसको एकदम धीरे धीरे डालिए छानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है बेल वाला, इसको मैं पूरी तरह से छान लिया हूँ, तो इसमें कोई भी कचड़े नहीं है और जितना ही बचा है सब लिक्विड फॉर्म में बचा है, तो इसको हम लोग स्टोर रखें। सेकेंड ये है जो अपना है कंडे वाला, तो इसको भी ऐसे थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि उससे वो निकल जाए। इसके बाद अब इसको क्या करना है कि इसको निकाल के इसको अलग से सुखा देना है। सुखाने के बाद चाहे तो आप इसको जलावन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर गोबर के टाइप से जो भी आप इसका यूज़ करना चाहें। तो इसको पूरी तरह से निकाल के एक साइड में रख देते हैं। निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, लाल लाल कलर का रहता है ये, इसका ना कलर बदल जाता है, जो गोबर का कलर को ये ले लेता है। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें आपका होता है फ्लोइक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, इसके साथ साथ और भी बहुत से पोषक तत्व तो होते हैं जो पौधे को ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी वही सेम छन्नी का यूज़ करना है, लेकिन अब ये एप्टर ना बेल को छानने के बाद छन्नी को अच्छे से आपको धो देना है जिससे उसके मवाद वगैरह सब निकल जाए। और उसके बाद अब इसको इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको डालना है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा कचड़े नहीं होते, फिर भी वो जो गोबर के छोटे छोटे टुकड़े फंसे रहते हैं तो उसके लिए हमको इसको छानना पड़ता है। इस तरह से छान के इसको आप डब्बे में भर के इसको आप चाहे तो सालों साल रख सकते हैं, या फिर तुरंत अपने फसल में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको रखिए सालों साल और अपने फसल में उपयोग। यार वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।